सो हेलो गाइस, मेरा नाम है निमेश गुरुंग और आज मैं फिर से आ गया और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बनाते राइनोसोरस बीटल लार्वे सबस्ट्रेट। जो स्टैग बीटल और राइनोसोरस में थोड़ा सा फर्क है, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते राइनोसोरस बीटल लार्वे सबस्ट्रेट। तो चलिए चलते हैं। अभी तो दोस्तों मैंने राइनोसोरस बीटल के लिए इतना बड़ा वाला ये पेन का बॉक्स लिया है, क्योंकि राइनोसोरस बीटल तो बड़े ही होते हैं स्टैग से दिखने में। मुझे राइनोसोरस अच्छा लगता है फाइटिंग में भी। और अभी यहाँ पर मिट्टी भर दीजिए, केमिकल वाली नहीं, खाद गाय का नहीं। आपके बगीचे में मिट्टी हो तो वही थोड़ी सी पानी में भिगो कर डाल दीजिए, पर सुखाना और डालना। तो चलिए भरते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर भर लिया, तो एक मिनट सा कैमरा खराब हो गया था। तो यहाँ देखिए कितनी मिट्टी भर गई है। और हमारा स्पेशल गेस्ट है हमारा राइनोसोरस बीटल लार्वे। अरे भैया, राइनोसोरस बीटल लार्वे मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। तो देखिए ये आपको मिट्टी में जो दूसरे बीटल लार्वे मिलते हैं वो सीधे नहीं चलते, बल्कि वो तो पीछे की तरफ से चलते हैं। और यहाँ देखिए ये सीधा चलता है और पीठ में थोड़ा सा ब्लैक है, और इसीलिए इट्स कॉल्ड राइनोसोरस बीटल लार्वे। और स्टैग बीटल भी ऐसे ही चलते हैं। तो अभी यहाँ पर छोटा सा होल बना लीजिए अपनी उंगली से। अरे भाई, इसने तो मुझे कल काट ही लिया था समझो। अभी भाई अभी भी काटने ही वाला था ये मुझे, ये मुझको कल मिला था। हाँ, तो वहाँ पर उसकी मनपसंद जगह पर डाल लीजिए, पर उल्टा मत डालिए, सीधा ही डाल लीजिए ऐसे। और थोड़ी सी मिट्टी से उसको कवर कर लीजिए ऊपर से। और अगर आपके पास वुड लॉग, नरम सा वुड लॉग हो तो वो भी डाल दीजिए इसके अंदर। और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूले। लाइक कमेंट शेयर, और लाइक तो रोक लो। और मेरा चैनल का नाम आपको बताइए। तो वहाँ देखिए मिट्टी में हलचल होगी, तो छोड़ दीजिए। और उससे पहले आपके मिट्टी में ये चीटियाँ नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, अगर उसने बीटल लार्वे को खा लिया तो उसको क्या होगा। अरे भाई वहाँ देखो देखो, वहाँ व्हाइट कलर का पीठ वहाँ पर, ये वाला ये राइनोसोरस बीटल लार्वे है। कल तो मुझे अचानक ही मिल गया वुड्स में, तो छोटी छोटी टुकड़े भी डाल दीजिए लकड़ी के। अगर आपको बीटल्स पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीटल्स के बारे में जानकारी भी आपको मिलेगा। और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दो, मुझे बच्चा मत समझना। हाँ, तो यहाँ आपको कौन सा बीटल ज़्यादा पसंद है वो कमेंट में भी बता लीजिए मुझे, और दूसरा कौन सा वीडियो बनाना है वो भी बता दीजिएगा। पर आप ऊपर से इस बीटल के साइड में मिट्टियों में ऐसे हाथ से कर दीजिएगा। और राइनोसोरस बीटल्स के लिए आपके पास ऐसे बॉक्स होने चाहिए, उतने बड़े, इतने बड़े या उससे थोड़े कम, इतने पेंट बॉक्स। या आपके पास फिश टैंक हो तो वहाँ पर भी रख सकते हैं अच्छे से मैंने बताए हुए तरीके से। और ये मेरे ख्याल से L2 बीटल लार्वे है, और जल्दी ही L3 में बदल कर, प्यूपे में बदल कर, जब ये L3 होगा और प्यूपे में, तो ये 2-3 या 4-5 महीनों में बन जाएगा। और फिर उसके बाद 2-3 महीनों में ये फिर से बीटल्स बन जाएंगे। तो ये एक मेल बीटल है। अभी तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए और भी
सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। मैंने इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है और आपको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने में एक सेकंड ही लगेगा। तो दोस्तों अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और अच्छे से रहना, कोरोना से मत डरना।